तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग A30s में जुराई का सिक्योरिटी अपडेट आ चुका है, जो कि आज अभी सुबह सुबह ही आया है, जिसका मैं वीडियो भी आगे आपको दिखाने वाला हूँ क्या अपडेट आया है, क्या चेंजेस आया है। और अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि WannaUI चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, तो कि पूरा अपडेट होने के बाद कंफर्म हो जाएगा क्या चेंज हुआ है WannaUI में और क्या चेंज नहीं हुआ, तो अपडेट करने के बाद देख लेते हैं दोस्तों। और इसके आगे वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इसमें फिंगरप्रिंट का अपडेट चेंज हुआ गया है, कि पहले फिंगरप्रिंट जो अपन यूज़ करते थे वो पहले बहुत स्लो वर्किंग करता था, अब इस अपडेट के बाद उसमें फिंगरप्रिंट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया है एंड सिक्योरिटी में इंप्रूवमेंट किया गया है। तो आगे दोस्तों चल लेते हैं, इसको अपडेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। मेरा नाम सनियर और आपका स्वागत है मेरे चैनल दोस्तों। सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट को चेक करना है, जो कि आ चुका है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। आपको यहाँ पर जाना है एंड देन डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ दिख रहा है, जो कि मैं चेक कर चुका हूँ। आपको यहाँ पर चेक करना है और आपको अवेलेबल दिख जाएगा अपडेट योर फोन गेट न्यू फीचर। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या चेंज हुआ है, बैटरी चार्जिंग का इशू चेंज हुआ है, कैमरे से लेकर कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन चेंज हुआ है। उनका कहना है कि आप जब इसको अपडेट करें उसके बाद फिंगरप्रिंट को रिमूव करें एंड दोबारा ऐड करें तो आपको फर्क इफेक्ट पड़ा पड़ जाएगा। एंड देन सिक्योरिटी को लेकर कुछ चेंज हुआ है और सिक्योरिटी पैच आया 1 जुलाई का अपडेट हुआ है, तो अब इसको कर लेते हैं डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद बताता हूँ दोस्तों क्या इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आए हैं। चल लेते हैं डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 453 354 MB का ये अपडेट है, तो थोड़ा अपडेट होने दीजिए इसको। सिस्टम अपडेट बस थोड़ा सा रह गया है, लास्ट अपडेट होते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें UI चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, कंफर्म हो जाएगा अभी जस्ट। तो ये पूरी प्रोसेस हो जाने देते हैं, तो जब तक चलते हैं दोस्तों सेटिंग में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, पहले मैं अबाउट फ़ोन में जाके क्या चेंजेस हुए हैं। तो अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आपको जाना है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे सिर्फ सिक्योरिटी जुलाई की चेंज हुई है और WannaUI में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो नॉर्मली सिक्योरिटी अपडेट है और कुछ नहीं आया है, बस थोड़े बहुत बग फिक्स करे गए, बग्स को फिक्स किया गया है और कुछ नहीं है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा दोस्तों इसमें क्या थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, तो जब तक ये अपडेट होता रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा जो मेजर अपडेट आया। तो थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपकी मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके सब्सक्राइब से मुझे सपोर्ट मिले और मैं आगे अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। तो थैंक यू दोस्तों।